हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल नंदिनी शुक्ला में। मैं नंदिनी आ गई हूँ एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों ये देखिए, हमारे घर में मेथी लगी है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का मेरा ब्रेकफास्ट। इसमें है काले चने जो कि मैंने रात में भिगो के रख दिए थे, और इसमें मैंने डाला है खीरा, मूली और टमाटर, सेब छोटे छोटे टुकड़े करके, नींबू, काला नमक और धनिया, जो कि बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैंने एक ग्लास गरम पानी किया, उसमें नींबू डाला और उसमें हनी डाला और मिला के पी लिया। फिर उसके बाद जब ये आर्या गई नहीं, इसकी तबीयत नहीं सही है और इसके पापा वगैरह चले जाते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रूट्स ले लेती हूँ या स्प्राउट वगैरह ले लेती हूँ। तो ये मैं अप्रॉक्स लेती हूँ 10 o'clock पे। और मुझे मन हुआ, अगर क्योंकि विंटर्स हैं तो मैं चाय लेती हूँ, वरना नहीं लेती हूँ। तो ये रहा मेरा। और फिर मैं 1 बजे तक, हाँ मैं 1 बजे तक जब आर्या आ जाती है या आर्या के आने के पहले मैं ले लेती हूँ अपना खाना, जिसमें मैं खाना में लेती हूँ। खाने में मेरा होता है या तो अगर मैंने सब्जी बनाई तो मैं एक थोड़ा सब्जी ले लूँगी बाउल में। और हमें सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए दोस्तों, अगर रोटी की मात्रा कम करनी चाहिए, सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए। तो इस टाइम हरी सब्जियाँ भी बहुत आ रही हैं, पालक है और मूली के पत्ते हैं, मेथी है और भथुआ वगैरह है। ये तो हमें बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, तो हमें ये ज़रूर खाना चाहिए। तो मैं एक हरी सब्जी तो ले ही लेती हूँ अपने लंच में। तो मेरा एक हरी सब्जी हो गया, अगर दाल बनी तो दाल, नहीं मैं मैक्सिमम शाम को दाल बनाती हूँ, तो हरी सब्जी हो गई। 2 रोटी ले लेती हूँ, मैं सैलड ले लेती हूँ। तो हो सकेगा तो मैं आपके साथ लंच की थाली भी शेयर कर दूंगी कि मैं क्या खाती हूँ उसमें। और दोस्तों, 32 बार वाला फार्मूला से आपका इतनी जल्दी वेट कवर नहीं होता है, तो हमें एक्सरसाइज वगैरह भी जरूर करनी चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ दोस्तों, आपको वॉक जरूर करनी चाहिए, 1 घंटे की एटलीस्ट जरूर वॉक करनी चाहिए और आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। मैंने जब अपना वेट लॉस किया था दोस्तों, तो मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पहले तो हमें चलने में दिक्कत होती है, फिर मैं धीरे धीरे चलना स्टार्ट करी। तो मैंने 1 किलोमीटर, पहले मैंने आधा किलोमीटर, फिर 1, फिर 2, 2.5, ऐसे करते करते मैं 6 किलोमीटर डेली चलती थी दोस्तों शाम को। और मैं कहीं भी नहीं चलने जाती थी क्योंकि आर्या छोटी थी, ये किसी के पास जाती नहीं है दोस्तों। देखिए आर्या भी आ रही थी। हाँ, पैसे भी अंकल को देने चलिए बेटा, ओके, तब तक देख लो। तो मैं ना छत में ही पूरा चक्कर लगाती थी, 10,000 स्टेप। पहले मेरे पास स्मार्ट वॉच नहीं थी, मैं दोस्तों मैंने ये बाद में ली है। तो मैं फ़ोन में पीडियोमीटर करके एक ऐप आता है, उसको मैं अपने इंस्टॉल कर ली और फिर मैं 10,000 गिनती के 10,000, जो कि अप्रॉक्स 6.1 या 6.2 किलोमीटर में ख़त्म होता है। तो मैं, ये मेरा डेली का था और मैं छत में ही अपने टहलती थी। तो दोस्तों, बिना जिम जाए और बिना पैसे खर्च किए भी हम घर पर रह के, घर का खाना खा के वजन अपना कम कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप घर में भी रहिए, अपना बच्चा देखिए, प्रॉपर बच्चा भी देख सकती हैं और अपना वजन भी कम कर सकती हैं। तो मैं आर्या को भी देखती थी, ये भी मेरे पीछे, इवन ये भी मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी जितने राउंड मैं लगाती थी, आधे तो ये भी लगाती थी मेरे साथ साथ पीछे पीछे। बट मैं ये है, आप स्पोर्ट्स शूज़ ले लें और बिना स्पोर्ट्स शूज़ पहने आप वॉक ना करें। तो मैं तो छत पे ही अपने 10,000 स्टेप कंप्लीट कर लेती थी, जिन्हें जल्दी ही करना है दोस्तों। तो 32 बार फार्मूला के साथ साथ वॉक करिए और एक्सरसाइज करिए, फिर देखिए आपका कितनी जल्दी चर्बी कम होती है, फैट कम होता है, आपके इंचेस लॉस होते हैं। तो यही किया था दोस्तों, और मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन यही रहता है कि मैं सबसे पहले उठती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ, फिर कुछ स्प्राउट्स या कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ, फिर मैं 1-1.5 के बीच लंच करती हूँ, उसमें 2 रोटी कर लेती हूँ। देन उसके बाद मैं शाम को अगर मुझे भूख वगैरह कुछ लगती है तो मैं चाय ले लेती हूँ, चाय के साथ टोस्ट ले लिया, ब्रेड ले लिया, या मैंने चाय के साथ, या मैंने चाय स्किप कर दी तो मैंने ग्रीन टी ले ली। और उधर
बार एक घंटे बाद खाने के लंच के तो मैं ग्रीन टी लेती ही लेती हूँ, तो या मैंने काले वाले चने ले लिए। ये देखिए आर्या अभी आ गई, ये भी बताएंगी मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी रही, ये भी पीछे पीछे मेरे दौड़ती थी। तो दोस्तों मैं शाम को काले वाले जो चने होते हैं वो आप ले सकते हैं, लैया चना वगैरह ले सकते हैं, और डिनर में आप अगर आप राइस खा रहे हैं तो रोटी मत खाइए, रोटी खा रहे हैं तो राइस मत खाइए, और आपको जल्दी कवर करना है तो वाइट राइस बिल्कुल स्किप कर दीजिए, ब्राउन राइस खाइए। और जब शेयर करूँगी मैंने क्या क्या खाया क्या क्या नहीं खाया, बने रहिएगा ब्लॉग में, और इस तरीके की सीरीज़ आगे भी आपको मिलती रहेंगी। तो फिर सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और देखिएगा मैंने अपनी 70 kg वेट से मैं 55-56 कैसे पहुँची। सो बोल दो गाइस से बोल दो हेलो गाइस, मेरा मम्मा वेट लॉस जर्नी बता रही है जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, मैं भी टहलती थी मम्मा के साथ, और जिस दिन मैं ये मेरे शूज देख लेती थी दोस्तों कि मेरे करने के लिए शूज स्पोर्ट्स शूज ये देख लेती थी तो मेरे से बोलती थी चलो मम्मा वॉक करो चल के, चलो मम्मा वॉक करो चल के। सो आर्या ने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया दोस्तों, हाँ चलो मम्मा वॉक करो चल के, अभी मम्मा वॉक करेगी चल के, कुरकुर दिलाए। ओके दोस्तों हम आर्या को कुरकुर दिलाने जा रहे हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। जूस पिलाएगी आर्या, स्ट्रॉबेरी जूस पिलाएगी आर्या। ये रही मेरी लंच की थाली, मैंने लिया एक गोभी का पराठा और आलू सेम की सब्जी और थोड़ा सा दही। तो ये लंच में मैं आज यही करूँगी दोस्तों, क्योंकि हल्का खाना खाना सही रहता है। थाली हो चुकी है रेडी, ये देखिए मैंने आपको दिखाया था, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और खाने के पहले हमें काउंट करते रहना है कि हमें 32 बार खाना है एक कौरव का। तो एक पराठा के मैं 20 टुकड़े कर लूँगी जो ये मेरे पास पराठा है, और फिर मैं ये देखूँगी कि मैं हर एक टुकड़े को 32 बार ही चबा चबा के खाऊँ, ऐसे ही आपको भी करना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना हम खाएंगे चबा चबा के उतना ही हमारे लिए सही रहेगा, तो हमें 32 बार काउंट करके खा लेना है। और ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि बिना खाना कम किए आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब तक आप अपना खाना कम नहीं करेंगे आपका वेट लॉस नहीं होगा। सो शाम के समय मैंने लिया है ये एप्पल और थोड़ा सा कैरेट, इसमें मैंने काला नमक डाल के और तब मैं खाऊंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको शाम को भूख लगे तो आप ये ले सकते हैं दोस्तों, हल्का भी है और सेहतमंद भी है। सो मैं इनको जा रही हूँ खाने, और दोस्तों इनको हमें 32 बार ही चबा चबा के खाना है। सो ये अब मैं खाऊंगी 32 बार चबा चबा के। पहले मैं दोस्तों भूल जाती थी, अपने मन गिनती रहती थी मोबाइल में या फिंगर काउंटिंग करती थी 32 बार कैसे खाना है, लेकिन अब मुझे ना मन ही मन में गिन लेती हूँ कि हाँ मुझे 32 बार खाना है। एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी तो आपको हैबिचुअल हो जाएंगे आप खाने के। तो जब ऐसे आप लीजिए और मन ही मन अपना काउंट करते रहिए 32 बार, जब भी बिल्कुल लिक्विड हो जाए तब लेना। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, आई लव यू, प्यार कर लो दोस्तों को। और ये मैंने डिनर में सैलेड कट किया है ढेर सारा, और इसमें है रेडिस, गुआवा, एप्पल और नींबू। और ये रही मेरी डिनर की थाली जिसमें मैंने लिया है 2 रोटी और थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्जी। बाय बाय।